कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, देखिए अभी तक आप लोगों के लग्न पर गुरु का गोचर चल रहा था और अप्रैल में ये गुरु आपके द्वितीय स्थान पर चले जाएंगे। राहु केतु की बात करें तो राहु आपके चतुर्थ में और केतु आपके दशम में थे, तो काफी कार्य क्षेत्र में काफी दंगल वाली स्थिति थी और घर से संबंधित कुछ खर्चे भी और गाड़ी से संबंधित भी कुछ खर्चे भी होंगे। ये अप्रैल महीने में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके नाइन्थ हाउस में, राहु आपके थर्ड हाउस में और शनि जो है वो आपकी लग्न पर आ जाएंगे अप्रैल महीने में। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपका जो है सेकंड, जिन लोगों का राशि है कुंभ, उनका सेकंड फेज साढ़े साथी का स्टार्ट हो जाएगा। और हालांकि यहाँ पर शनि स्वराशि होते हैं तो ये शनि भी आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। सो बेसिकली अगर बड़े स्तर पर, औसत स्तर पर बात किया तो देखिए लास्ट का जो पीछे का तीन चार महीने को छोड़ दें तो आपका पिछला साल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था करियर पर्सपेक्टिव से। ये जो साल है ये आपको मेकओवर का एक टाइम दे रहा है, एक ये दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहां पे आप अपने प्रयासों से जो भी करियर संबंधित जो भी लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर कर सकते हैं। विशेषकर अगर हम बात करें तो आपको कोई नया ऐसा पोर्टफोलियो, नई जिम्मेदारी दी जाएगी जो इस वर्ष में, जो बेसिकली आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, यानी कि जो ड्यू नहीं है वो भी प्रमोशन की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो वो स्थितियां यहाँ पर बनने की संभावना है। इसके साथ साथ आपका एक प्लेस चेंज की स्थिति या ट्रांसफर की स्थिति भी बनती है, या हो सकता है आप घर चेंज करें या आप किसी और शहर ट्रांसफर हो जाए। दूसरा ये है कि खासकर अगर मैं साल के मध्य की बात करूं तो मध्य में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेने की आवश्यकता है, खासकर मई जून का जो महीना है ये महीने में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की या वैवाहिक जीवन की। तो देखिए क्या है कि थोड़े कुछ एक पैचेस को छोड़ करके बाकी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ही है। हालांकि मई जून का जो समय है वो थोड़ा सा हर्डल दिखा सकता है, कुछ समस्याओं को दर्शा सकता है। विशेषकर उस समय पे जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और आर्गुमेंटेटिव जो स्थितियां हैं उनसे थोड़ा सा बचें। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं आपकी तो ये बहुत ही अच्छा समय है फाइनेंसेस को लेकर के। आपके जो रुके हुए फाइनेंस थे या जो भी पहले कोई पैसा आपका ब्लॉक हो गया वो पैसा भी मिलने की संभावना है और जो रेगुलर गेन्स है वो भी बढ़ने की स्थिति यहाँ पे दिखती है। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात करें तो देखिए दो तीन चीजों में खासकर आपको सावधानी रखनी है। पहली चीज है कि किडनी और लीवर से संबंधित थोड़ा सा आपको सजग रहना है। इससे संबंधित यदि कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको लेकर के सीरियस रहें, या कुछ समस्या दिख रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका बिल्कुल ध्यान दें। आपकी जो डाइट है उसको बिल्कुल रेगुलर करें, थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाएं अपने आप को स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर के, और खासकर ऐसी चीजों का के भोजन से बचें जो फटाफट वेट गेन करती हैं, जो बहुत ज्यादा वजन बढ़ाती हैं, खासकर फैटी फूड्स या एक्सेसिव ऑयली फूड्स की अगर हम बात करें तो। जहां तक विद्यार्थियों की बात है, जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो थोड़े बहुत चैलेंजेस यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे मन ना लगे, पढ़ाई का मन ना हो, ऐसी स्थितियां थोड़ी सी बन सकती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा और यू विल सेल थ्रू। उपाय की अगर बात करें तो आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और नारायण सेवा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नारायण सेवा में आप जन सेवा ऐसे भी कर सकते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को भूख मतलब भोजन संबंधी या दवाइयों संबंधित दान, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं 12 महीनों का औसत देखूं तो
मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर ये महीने थोड़े से औसत स्तर के रहेंगे, बाकी सारे महीने जो है आपके अच्छे रहेंगे। तो ये हो गया कुंभ राशि का राशिफल।